हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग दिवाली के जश्न में दिवाली की सेलिब्रेशंस का तैयारी कर रहे होंगे। एडवांस हैप्पी दिवाली सब लोगों को। एक्चुअली जो मैं आज ये वीडियो में कहना चाहती हूँ वो बहुत इम्पॉर्टेंट है दिवाली के ऊपर। आप इस वीडियो के एंड तक देखिए ताकि ये जो दिल्ली में और जो ममता बनर्जी जो चीयर लीडर्स है इस देश में, अभी कांग्रेस का एक अंग अभी जिंदा है इन दोनों की वजह से, इन लोगों का ये साजिश में आप ना पड़े। ये दिवा मैंने कल से लगभग देख रही हूँ कि एक ही एडवर्टाइजमेंट बार बार आ रही है हर एक चैनल में, वो है दिल्ली सीएम का ये दिवाली का निमंत्रण, उनके साथ दिवाली मनाए और दिया जलाए मगर पटाखे नहीं फोड़ना। ये लगभग इन्होंने ये पोल्यूशन का चीयर लीडर इन्हों ही बना, जैसे कोर्ट्स ने भी इनका मदद दिया। मैं सीवी रमणा जी से, सुप्रीम कोर्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमणा जी से भी पूछना चाहती हूँ, आप तेलुगु के पर्सन हैं, आपको ट्रेडिशन वैल्यूज दिवाली का त्यौहार का मतलब, उनका उसका मीनिंग, उसके बिहाइंड साइंस आपको मालूम ही होगी। क्यों ना ये पटाखे फोड़ने का ये जो डिसीशन जजमेंट दिया उसको रिवोक करे। व्हाट्स गोइंग ऑन? कल रात अर्णब गोस्वामी जी ने रिपब्लिक में ये हैशटैग दिया, व्हाट्स गोइंग ऑन। हाँ, व्हाट्स गोइंग ऑन टीवी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन दिल्ली? ममता बनर्जी क्या कर रही है? ये क्यों स्लाइटली हिंदुओं का ब्रेन वॉश कर रही है? अगर पोल्यूशन प्रॉब्लम दिल्ली में है तो वो एडवर्टाइजमेंट भी दिल्ली तक सीमित रहना है, मगर ये सबको सब देख रहे हैं। ये पॉलिटिशियंस को बहुत अच्छा मालूम है कि मीडिया को कैसे इस्तेमाल करें ताकि ये हिंदुओं पर और जो उनको मन चाहे उसको ब्रेन वॉश करके लोगों तक पहुंचाने का एक बड़ा हथियार है मीडिया। इस मीडिया की तरफ से केजरीवाल बोल रहा है कि पटाखे नहीं फोड़ना है, एक पोल्यूशन का सोल्यूशन बोल के ये ऐसा ब्रेन वॉश कर रहा है। मैं यही ममता बनर्जी, यही केजरीवाल से पूछना चाहती हूँ, क्या यही तकिया रख के इफ्तार के दावत पर आप लोग जाते हैं वहाँ जाकर? नहीं तो यही दिवाली के त्यौहार पर, नहीं तो उनके रमजान पर उनको निमंत्रित करके जिहाद छोड़ने के लिए आप लोग बोलते हैं क्या? जिहाद को कुरान से निकाल दो बोल के बोल सकते हैं क्या? नहीं तो कौन होते हैं आप दिवाली के दिन पटाखे नहीं फोड़ने के लिए बोल रहे हैं? कौन होते हैं आप? क्या ग्रंथ पढ़े हैं? क्या साइंस है इसका पीछे, जो पटाखे चलाने का साइंस क्या है? क्यों इसको हम किसी और त्यौहार में हम लोग नहीं देखे, मगर जो लोग पटाखे फोड़ने के अगेनेस्ट में चीयर लीडर्स बन के, वुमेन चाउनिस्ट बन के सबरमला में जी ये ऐसे जजमेंट्स में आकर कोर्ट्स में केस करने वाले, फंडामेंटल राइट्स, ये पोल्यूशन, ह्यूमन राइट्स, ह्यूमैनिटी, ये बोलने वाले, हर उनके शादी में जलाते हैं, उन IPL होती तो जलाते हैं, कुछ इनाग्रेशन फंक्शंस है तो बोलते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जब जीत कर आती है तो पटाखे फोड़ते हैं, मगर एक ही दिन जो हिंदुओं मनाने चाहते हैं वो उस दिन का ये रोक क्यों लगाना चाहते हैं? कभी हिंदू ब्रदर्स, हिंदू सिस्टर्स, आपने सोचा क्या क्या साइंस होगी कि हमने, हमारे ऋषियों ने, हमारे पूर्वज ने ऐसा रखा? कभी नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग ग्रंथ नहीं पढ़ते, नहीं समझना चाहते हैं। मैं कहती हूँ योगी जी के सामने, केजरीवाल आप, मैं बॉन्ड पेपर लिख कर देती हूँ, आप ऐसा मोदी जी का कॉपी कैट करके, योगी जी का कॉपी कैट करके आप उनका कैरेक्टर नहीं बन सकते। गीदड़ गीदड़ ही रहती है, शेर शेर ही है। ऑफकोर्स आप एक IFS ऑफिसर कभी थे, वो उसका नॉलेज है, मैं उसका उस पर नहीं जा रही हूँ, मगर कैरेक्टर आप नहीं बिल्ड कर सकते, ये मैं बॉन्ड पेपर लिख कर देती हूँ। अगर आपको दिवाली के बारे में क्यों रखा गया ये न सब नहीं जानते हैं, खाली कोर्ट ने एक कोर्ट कौन होती है, एक धर्म कोर्ट के ऊपर ये कल्चर नहीं बनी है,
जो लोग कॉन्स्टिट्यूशन के चीयर लीडर्स है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रोज सुबह उठ के बोलने वाले, कभी जानते हैं ये वर्ल्ड में ये 70 ईयर्स तक कोई भी कंट्री अपने ट्रेडिशन को छोड़कर सेकुलर कंट्री या डेमोक्रेसी कंट्री नहीं रही? कैसे इंडिया में 70 ईयर्स तक ये डेमोक्रेसी चल रही है? क्योंकि इसको लोगों ने अपनाया, जो लोग अपनाया उसको ही आप गलत बोलते हैं। तो ये 70 ईयर्स में आपने क्या कल्चर डेवलप किया जो अलग हिंदू संस्कार और सभ्यति के ऊपर है? लाकर आपने क्या संस्कार डेवलपमेंट किया, एक बता दीजिए, जो हिंदू के धर्म ने नहीं है। आप कुछ इन्वेंशन किया इस कल्चर में, इंजेक्ट किया, जो गलतियाँ थी उसको सुधारा, ऐसा 70 ईयर्स में क्या करा आपने? 70 ईयर्स में एक ही करा कि तीन या चार का मुस्लिम एजुकेशन मिनिस्टर रखे कांग्रेस वाले ने, और आर्टिकल 28, आर्टिकल 30 हम पर तोपा गया। आर्टिकल 28 की तरह से कोई हिंदू बच्चा अपने ट्रेडिशन नहीं जानता, अपना किताब नहीं पढ़ता, मगर आर्टिकल 30 के ऊपर हर मुस्लिम, हर क्रिश्चियन अपना धर्म को पहचानता है, आपका अपना कुरान पढ़ता है, अपना जिहाद करने के लिए मनमानी करते हैं इसी देश में। और हम उनको गैस का तेल, गेहूं का आटा देकर उनको पालना पोषणा करता है। रोहिंग्या के लिए चराने वाले कोई कभी क्यों नहीं सोचते, क्यों रखा गया इस दिवाली के, तो एक ही दिवाली के दिन ही हिंदू धर्म ने पटाखे फोड़ने के लिए क्यों कहा, ऐसा कोई नहीं सोचते। अगर तुमको नहीं मालूम है तो जाओ योगी जी का, मोदी जी का पाँव पकड़ो, वो लोग समझा देंगे दिवाली के दिन पर क्यों पटाखे फोड़ने के लिए हमारे पूर्वज ने कहा। अगर आप लोग जरूर जानना चाहते हैं तो ये वीडियो एंड तक देखिए, ताकि जब तक एक्सप्लेनेशन नहीं है तो आप लोगों का दिमाग में नहीं बढ़ता, क्योंकि हमको डाउट्स ज़्यादा आता है, प्रूफ्स ज़्यादा चाहिए, मगर उसका जो सब बोले उसको फॉलो करने के लिए हम पर क्षमता नहीं रहती, क्योंकि हमको डाउट्स ज़्यादा आते हैं, प्रूफ्स चाहिए हर एक के लिए। इसीलिए मैं प्रूफ के साथ आपको आज बोलना चाहती हूँ, खाली ये कि दिवाली के अमावस के दिन ही पटाखे फोड़ने के लिए ये शास्त्रों में ही लिखा गया है हिंदू धर्म के, क्योंकि ये खाली आपको दक्षिणायन और उत्तरायण के बारे में जाना है। बोले तो नाउ सन विल ट्रांसिट फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ पोल, तो सन राइजेस फॉल्स इन अक्रॉस साउथ पोल, तो इसको कहते हैं दक्षिणायन। अब ये कब एंड होती है? जनवरी 13 को एंड होकर उत्तरायण आती है। बोले तो फिर सन राइजेस ट्रांसिट फ्रॉम साउथ पोल से वो नॉर्थ पोल पर ट्रांसिट होते हैं, उसको उत्तरायण कहते हैं। तो दक्षिणायन कब स्टार्ट होती है? भाद्रपद शुद्ध पौर्णमी जब आती है उसके साथ ही। बोले तो इस 2021 में जुलाई 16 से दक्षिणायन स्टार्ट हुआ, तो इसका एंड कब तक होगी? जनवरी 13 तक, जब मकर संक्रमण होती है, मकर संक्रांति आती है, तब तक ये दक्षिणायन चलेगी। तो ये क्या काल है? जब सूर्य नॉर्थ पोल से साउथ पोल आते तो लैंड के ऊपर उतना सूर्य रश्मि नहीं होती, इसीलिए हर एक जगह में एक कोल्ड विंटर सीजन चलती है ज़्यादातर देशों में। तो इंडिया ऐसी कंट्री है, यहाँ पे का कैलकुलेशंस किया गया है, ये कैलकुलेशंस में इसको दक्षिणायन कहते हैं। यहाँ पे कोल्ड विंटर सीजन स्टार्ट होना शुरू होती है। इस विंटर सीजन पे पहले हम लोग जुलाई 16 से, जब भाद्रपद के पौर्णमी से अमावस्या तक हमने क्या किया, आश्विज अमावस्या तक हम लोग ने क्या किया, पितृपक्ष का पालन किया। बोले तो हमारे फोर फादर्स के लिए हम लोग 15 दिन हमने सेलिब्रेट किया कि उनको याद करें, उनके लिए कुछ दान करें, उनके लिए सोचें, उनके लिए उनके नाम पर कुछ दान वान करें, उनको उनको भी खाना खिलाए, ऐसा कुछ हमने पितृपक्ष का कार्य किया। तो क्या है वो, हमने स्टार्टिंग किया कि
हमारे फोर फादर्स को याद करें। इसमें हमको दुर्गा माता की ये नवरात्रि के दिन आती है, नवरात्रि के दिन हम लोग अखंड ज्योति प्रज्वलित करते हैं। नौ दिन, ये नौ दिन अखंड ज्योति क्यों प्रज्वलित करते हैं, ताकि एनर्जी जो एनर्जी कंटिन्यू होती है उसको हम लोग सस्टेन की, क्योंकि माँ दुर्गा उस नवरात्रि के हमको ज्ञान देती है, ताकि इस अंधकार के जीवन, अब तो स्ट्रीट लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी आ गई है, वो उस काल में जब गौर विंटर सीजन, जो विंटर सीजन होती है वहाँ पे अंधकार ज़्यादा देर तक रहती है, सूर्य रश्मि कम होती है, तब इन लोगों को एनर्जी देने के लिए नवरात्रि के दिन ये अखंड ज्योति जलाने का त्यौहार मनाया है। मगर इस आश्विज शुक्ल पक्ष के दिन भी हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद एक कार्तिक मास आने तक ये 15 डेज हम लोग ये नवरात्रि का त्यौहार का यही उमंग लेके आगे चलते हैं। जब ये अमावस्या आता है तो और अंधकार बढ़ जाती है, तो बोले तो डे शॉर्टर होती है, नाइट्स लॉन्गर होती है। तो इस काल में ये अमावस्या के दिन जो पितृपक्ष पितृ देवताओं को हमने जो महालय पक्ष के दिन हमने आह्वानित किया, उन लोगों को रिटर्न जाने का ये दीपावली का अमावस्या जाना जाती है। इसीलिए ये दीपावली अमावस्या इंडिया में हर एक जगह में हर एक की तरह एक एक ट्रेडिशन के तरफ बना देते हैं। कहीं केरला में बलि चक्रवर्ती का जो त्याग करने हैं, जो विष्णु में लीन होने का ये त्यौहार माना जाता है, उनको त्याग को, क्योंकि वो उसमें विष्णु भक्त बन गया है, जब वो दान करके विष्णु जी को जो उसका अर्जित है उसको दान करके वो विष्णु में लीन हो जाते हैं, इसीलिए वहाँ पे लोग रंगोली बना के दिए जलाते हैं ताकि उनका मेमोरी करे। बोले तो हम लोग पितृपक्ष का ये लास्ट डे माना जाता है कि बलि चक्रवर्ती का त्याग और पितृ देवताओं को जो लोग को हमने आह्वानित किया, उन लोगों को फिर से उनका लोक में जाने के लिए हम लोग इस दिवाली में दिए जलाते हैं। और लक्ष्मी जी को आह्वानित, बोले तो जो सैडनेस है, जो एक उसमें एक स्टोरी भी अच्छी तरह रखे ताकि ये स्टोरीज रखे ताकि लोग भूल ना जाए, क्योंकि जो लुटियंस मीडिया यहाँ पे मुगल्स को ग्लोरीफाई करते हैं, मगर कहीं पे भी राजा दीर गया और टिप्पू सुल्तान को ग्लोरीफाई करने वाले कभी विक्रमादित्य का नाम नहीं लेते हैं, कहीं ललितादित्य का नाम नहीं लेते हैं। इसीलिए अब जब महर्षि लोगों को मालूम है, जो प्रूफ्स मांगने वाले इन लोगों को सामने जो ग्रंथ नहीं पढ़ते उन लोगों को स्टोरी टेलिंग इज बेस्ट है। इसीलिए जो नरकासुर का वध हुआ तो तब से ये दिया जला रहे हैं, जब राम जी ने घर आया तो तब से ये दिया जला रहे हैं, ऐसा स्टोरीज क्रिएट कर रहे हैं। मगर ये सनातन धर्म का साइंस जब हम लोगों को मालूम पड़ेगी तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो ये पितृपक्ष का जो फोर फादर्स को कहीं इजिप्ट में हर एक कल्चर में है अपने फोर फादर्स को याद करने का, तो ये फोर फादर्स को याद करने का ये तरीका में लास्ट डे है दीपावली का अमावस्या। ये दीपावली के दिन इसीलिए एक दिया भगवान के नाम पर, लक्ष्मी जी हो या विष्णु मूर्ति हो या शिव जी हो, जो भी हो उनका नाम पर एक दिया जलाते हैं, और दूसरा दिया हमारे पितृदेव लोगों को जो साउथ डायरेक्शन में है उनको उनकी तरफ भी एक दिया जलाते हैं, ताकि उनको लोक जाने के लिए रास्ता दिखाने का हमारे एक ट्रेडिशन है, बोले तो एक प्रोटोकॉल है ये, ताकि उनका हमने याद किया, उनको सत्कार किया और फिर वापस जा रहे एक कहीं कहीं से कह। अब मॉडर्न में भी देखे तो किसी इनॉग्रेशन में किसी फंक्शन में स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंटिंग होती है, ऐसे ही ये पितृपक्ष का एंडिंग पॉइंटिंग है। अमावस्या के दिन बहुत लोग
पितृ तर्पण भी करते हैं और रात को ऐसा दिया जलाते हैं ताकि उन लोगों का लोक जाने का रास्ता हमने दिखा दिया कि थैंक यू आप आए, हमारा मेहमानी आपने लिया और आप अब चले जाइए। और अगले साल आने का ये उन लोगों प्रार्थना करते हैं। तो एक दिया ईस्ट में, एक दिया साउथ में। और लक्ष्मी जी के साथ ही हम लोग कुबेर जी को भी प्रार्थना करते हैं। ये लक्ष्मी जी आती है बोल के सब लोग धनलक्ष्मी का पूजा करते हैं और थोड़े जगह में कुबेर धनलक्ष्मी का पूजा करते हैं। कुबेर जी नॉर्थ में रहते हैं, नॉर्थ में एक दिया लगाते हैं। अगर इसको साइंस में डिकोडिफाई करें तो ये दक्षिणायन से उत्तरायण से अब दक्षिणायन के डेज हाई है तो उत्तरायण के तो नॉर्थ पोल की तरफ एक 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 साउथ पोल की तरफ हम लोग बना हम लोग दिया जला रहे हैं। बोले तो ट्रांजिट हो रहा है तो सूर्य रश्मि ऐसा ट्रांजिट हो रहा है बोलने के लिए ये दिया जलाने का अब डेज लॉन्ग होंगे। अब हम दिया जलाने की ज़रूरत है वो भी साइन संध्या के टाइम पे। बोले तो 5:40 to 6 के बीच में जलाए तो सूर्य रश्मि जो भी जाते जाते वक्त जो भी रेस होती है वो मैग्निफिसेंट बहुत पावरफुल होती है, वो पावर उस दिया में उन देने का सूर्य जी हमको आशीर्वाद देते हैं। ऐसा बोल के ये डेज को कैलकुलेट करने के लिए एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल होती है। बोले तो किसी को समझ में नहीं अभी लोग है जो अर्थ को फ्लैट समझने वाले बोल है उसको हम लोग तकिया रख के इफ्तार विंद में जाकर उन लोगों को जिहादी नहीं छुड़वाते, मगर हिंदू सुख के पटाखे जलाने के लिए ये लोग मीडिया को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं बोलती हूँ ये दिया जलाने की तरीका है। और जो बात आ रही है पटाखे जलाने की, ये पटाखे इसलिए जलाते हैं क्योंकि हम लोग पितृपक्ष बोले तो एक सैड डेज है कि हम हाँ ये जीवन कुछ नहीं है और एक ना एक दिन एक ख़त्म हो जाती है तो इसके लिए, मगर वहाँ पे भी हम लोगों को पानी की ज़रूरत है। उस लोक में जो खाते हैं पीते हैं उसका हमको ज़रूरत पड़ती है। ये कुछ नहीं है, मेटेरियलिस्टिक है, ये बॉडी कुछ नहीं है, ये कभी ना कभी चली जानी है। ऐसा डेस हमने फोर फादर्स को याद रखते हुए उनको प्यार को याद रखते हुए ये कुछ नहीं होता ऐसा ब्रह्मांड को समझने के लिए ये 15 to 1 month डेस हमने बिताया। तो अब हमको एनर्जी चाहिए क्योंकि ये विंटर सीजन है, ये विंटर सीजन में हमको एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी चाहिए बोले तो कोई नहीं, चलो उठो कुछ करो बोले तो कोई नहीं करता। जब हम हमारे ऋषि इसको धन लक्ष्मी के त्यौहार में बनाया तो सब लोग धन के लिए तो कोई ना कोई उठते हैं। दिल्ली से लेकर गली तक सबके कुर्सियां पलट जाती है अगर हम लोग कुछ पैसा दिए तो। इस धन लक्ष्मी का आराधना करने का ये इसमें अमावस के दिन ही स्टार्ट किया ताकि हम लोग अच्छे सोचे। अब तक सैड में हैं अब तक तो उसके रेजोनेट करने के लिए, हमारे संतोष बढ़ाने के लिए, क्योंकि आप लोग आईपीएल मैच भी देखे होंगे, कहीं क्रिकेट मैच कहीं फुटबॉल मैचेस देखे हुए तो एंड में 1 ball 1 run 1 ball 6 run ऐसा मैच जब हम लोग क्या होते हैं टेंशन फील होते हैं, जब वो मोमेंटम एक मोमेंटम होती है वो 10-15 minutes का मोमेंटम हम लोग एक one and a half month इसमें ही चला दिया तो, और आने वाला डेज डार्क डेज है तो हमारा माइंड में बहुत असर पड़ता है। जो नॉर्थ से ट्रांजिट होने के लॉन्ग डार्क डेज के लिए हमारे माइंड पर ऊपर बहुत सारा सैडनेस आने का ये काल बहुत उपयोग कर होती है, इसीलिए सुसाइड करने का मन करता है, कुछ सैड फीलिंग होने का, उस सैड फीलिंग से रेजोनेट करने के लिए एक मोमेंटम स्टोन। तो अचानक फोर फादर्स को आपने प्रे किया ये कुछ नहीं है बॉडी है कभी ना कभी हम मर जाते हैं ऐसा बोल के ऐसा हमने ब्रह्मांड को समझ लिया, मगर जीना है
तो कुछ रेजिग्नेट होना चाहिए, तो इसीलिए इसको अलक्ष्मी बोलते हैं, बोले तो ज्येष्ठा देवी। तो जब तक ज्येष्ठा देवी, जब तक आपके दिल में वो सैडनेस नहीं जाता, आप कुछ और सोचने का मन नहीं होता। इसीलिए ये पटाखे फोड़ने का और ध्वनि बनाने का, जो मोदी जी ने फर्स्ट टाइम कोरोना का लॉकडाउन पे हमको तालियां बजाने के लिए बोले, नॉर्थ बंगालीस में और कर्नाटक कन्नडीस भी तालियां बजाना, कुछ साउंड्स करना, ऐसा प्रेयर में ये लोग मानते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हमारे हमको रेजोनेट। जब हम लोग आईपीएल मैच में जो लास्ट बॉल लास्ट ओवर का वो मोमेंटम टेंशन का होने, तो हम लोग चीर करते हैं। इसके लिए लाफिंग क्लब्स, ऐसा अब साइंटिफिकल जो हर किसी हर बात पर प्रूफ मांगने वाले ये लाफिंग बॉक्स लाफिंग क्लब्स ऐसा क्यों खोला, क्योंकि रेजुनेट होने के लिए। यही पद्धति उन टाइम पे ऋषियों ने हमको चीयर होने के लिए, लक्ष्मी को भगाओ और लक्ष्मी को लाओ, बोले तो सैडनेस को दूर करो। जो लक्ष्मी है, जो इसी दिवाली में हम लोग दो बार तो घर को फुल तरह साफ करते हैं, एक दिवाली के टाइम पे, एक मकर संक्रांति के में, जो भी हमारे कचरे हैं उसको सब जलाते हैं और फेंक देते हैं और नया लाते हैं। इसको करते हैं रेजुनेट। तो घर को साफ किया तो मन तन से साफ होना है कि हमको जीना है और कुछ अचीव करना है, तो इसको रेजुनेट करने के लिए हम लोग ऐसा ऐसा लाफिंग करना, दिए जलाना, पटाखे फोड़ना, ऐसा हम लोग क्योंकि इस जो फोर फादर्स को, जो ब्रह्मांड को समझने के बाद वो नेचुरल लाइफ में आने के लिए एक ही एक दिन पटाखे जलाने के लिए हमारे पूर्वज ने इस परंपरा को लगा। तो इस इंडिया में हमारे परंपरा के सिवा सारे देशों का परंपरा यहाँ पे बहुत मस्त चलती है। वैलेंटाइंस का डे का कार्ड्स चलती है, यहाँ पे कैंडल्स चलती है, कभी जाकर पूछो जीजस बहन जीजस के चर्च में जाने के लिए कैंडल क्यों लेके जाते, कैंडल में किसे और भगवान के रिश्ते क्या है। मगर मैं कहती हूँ, दिया जलाने से आपका भगवान से क्या रिश्ता होगी, मगर ये वीडियो बहुत लंबी हो, वहाँ पर कोई कोई प्रश्न नहीं पूछता, कोई इस केजरीवाल को नहीं पूछते कि चलो रमजान के दिन भी आप निमंत्रित दियो और दिसंबर 25 को भी जीसस क्राइस्ट का बर्थडे पर भी आप ये दो कि निमंत्रण दो और वो तकिया रख के इफ्तार खाते हुए हम लोग शपथ ले कि इस देश से जिहादी हटाएंगे, कुरान से जिहादी का नाम निकाल देंगे, ये फतवा लाना बंद कर देंगे, ऐसा कुछ क्यों नहीं सोचते। इससे क्या जाता है, बकरीद के टाइम पर ग्रीन बकरीद बनाएंगे, ऐसा क्यों नहीं बोलते। खाली हिंदुओं का माइंड ही मिले क्या इन, क्योंकि ये बच्चे आर्टिकल 28 की तरह से अपने कल्चर ट्रेडिशन से हट गए, क्योंकि इस लोगों को ये साइंस नहीं, इसमें बोरिंग दिखती है। मगर यही लोग जब लव जिहाद होती है तो उन लोगों को अच्छी रहती है, क्योंकि यहाँ पे शाहरुख खान होता है, भले ही वो ड्रग एडिक्टर हो, ड्रग पेडलर हो, मगर वो अच्छा लगता है, क्योंकि नरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। इसीलिए ये लोग मीडिया चुने, क्योंकि ऐसा नरेट करे तो ये मोदी जी बनने का ये काब है जो इनका ऐसा, मगर ये कैरेक्टरलेस एडवर्टाइजमेंट को मैं नकारती हूँ। हिंदू चिल्ड्रन का, हिंदू बच्चों का माइंड ख़राब मत करो। अगर आपको दिवाली का मतलब नहीं मालूम है तो जाकर योगी जी का पाँव पकड़ो, समझा देंगे। कोई साधु होंगे, यूपी में इतने साधु हैं, हर एक को हिंदू को एक धर्म नहीं, एक साइंस का मॉड्यूल है बोल के उनको मालूम है, उनके जाके पूछो क्या है उत्तरायण, क्या है दक्षिणायन, क्यों हम लोग पटाखे जलाते, क्यों दिया से ही डिवाइनिटी आती है, क्यों कैंडल से डिवाइनिटी नहीं आती, ये सब उनको समझा सकते हैं। मैं जो आचमन करना ही नहीं जानती, वो ममता दीदी को क्या मालूम है दिवाली क्या होगी, और ये चीयर लीडर केजरीवाल को क्या पता होगी दिवाली क्या होगी। कभी जाकर यूपी में बहुत साधु संत है, उनको शरण
स्पर्श करके पूछो, हमने कभी ग्रंथ नहीं पढ़े, कभी हिंदुत्व के बारे में समझ में नहीं जानना चाहते थे, अगर जाने तो भी मैं हमने हमारे पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया, इसके लिए माफ़ी कर को बोल के पूछो, वो लोग सब बताते हैं। क्योंकि अब बुक्स पढ़ना एक फैशन नहीं है, खाली ट्विटर और सोशल मीडिया में आकर जो चाहे वो और मीडिया पे आकर जो चाहे वो बात करने का एक शौक़ है। मैं भी ट्विटर जैसा सोशल मीडिया इस्तेमाल क्यों कर रही हैं, क्योंकि हमारे हिंदू के लोग कहीं हमको मिलती है नहीं, कहीं ये लोग टेंपल्स को आते नहीं, हमारा कोई रिलीजियस कांग्रीगेशंस नहीं होती है, जैसे इस्लाम में जैसे क्रिश्चियनिटी में जो कांग्रीगेशंस होती है, हमको ये बच्चे मिलते ही नहीं। अगर कोई बच्चे मिलते हैं तो ट्विटर में, सोशल मीडिया, फेसबुक में ही मिलते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोलना की ज़रूरत है, क्योंकि इन लोगों की भी यही मीडिया को इस्तेमाल किया, तो हमको भी यही मीडिया इस्तेमाल करके जो गलत है वो उसको नकारना है, जो सही है अपने बच्चों को कहना है। होप आप सब इस दिवाली में दिल्ली में जो है जो भी वुमेन शाउनिस्ट है, ये कम्युनिस्ट, इन लोगों के बात पर ना जाओ, अपना ट्रेडिशन में अपना सांप्रदाय को बचाओ। ये पोल्यूशन का डोंग का एक गेम है, उसमें आप मत पड़ो, आप दिए जलाओ, पटाखे फोड़ो और दिवाली अच्छी तरह से सेलिब्रेट करो, अपने पितृ देवताओं को, लक्ष्मी देव को, कुबेर जी को प्रणाम करो, और बहुत तन मन धन से आप धन दौलत सब आपको प्राप्ति हो, यही मेरी कामना है। जय हिंद, जय भारत।